जिस दौर में आवागमन और संचार के साधन सीमित थे, उन दिनों दुनिया का मानचित्र कैसे बना होगा, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है। 19वीं शताब्दी में विभिन्न देशों के सर्वेक्षण विभागों ने लगभग पूरी दुनिया का नक्शा बना लिया था, लेकिन वर्ष 1870 तक तिब्बत का नक्शा नहीं बना था। एक खाली स्थान तिब्बत दिखाने के लिए छोड़ दिया गया था। लगभग उसी समय उत्तराखंड के नैन सिंह रावत ने कदमों से नापकर तिब्बत का सटीक नक्शा तैयार किया। कौन थे नैन सिंह, कैसे किया उन्होंने ये काम, क्यों उनको आज तक याद किया जाता है, आइए जानते हैं उनके बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कर्नल यूल ने नैन सिंह के बारे में कहा था, ये वो इंसान है जिसने एशिया के बारे में हमारे ज्ञान को बेहद समृद्ध किया। उस समय कोई अन्य व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता था। नैन सिंह रावत कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले थे। उनका जन्म 21 अक्टूबर सन 1830 में कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले के मिलन नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो जल्द ही पिता के साथ भारत और तिब्बत के बीच चलने वाले पारंपरिक व्यापार से जुड़ गए। अपने पिता के साथ उन्हें तिब्बत के कई स्थानों पर जाने और उन्हें समझने का मौका मिला। उन्होंने तिब्बत की भाषा सीखी, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। हिंदी और तिब्बत के अलावा उन्हें फारसी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत का नक्शा तैयार कर रहे थे और लगभग पूरे भारत का नक्शा बना चुके थे। अब वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा था तिब्बत। ये क्षेत्र दुनिया से छुपा हुआ था। न सिर्फ वहां की जानकारियां बेहद कम थी, बल्कि विदेशियों का वहां जाना भी सख्त मना था। ऐसे में अंग्रेज कश्मकश में थे कि वहां का नक्शा तैयार होगा कैसे। हालांकि ब्रिटानिया सरकार ने कई कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। कई बार विफल होने के बाद उस समय के सर्वेक्षक जॉर्ज माउंट गुमरी ने यह फैसला लिया कि अंग्रेजों के बजाय उन भारतीयों को वहां भेजा जाए जो तिब्बत के साथ व्यापार करने वहां अक्सर आते जाते हैं। और फिर खोज शुरू हुई ऐसे लोगों की जो वहां की भौगोलिक जानकारी एकत्र कर पाए, और खासकर 1863 में कैप्टन माउंट गुमरी को दो ऐसे लोग मिल ही गए, 35 साल के पंडित नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई माणी सिंह। भाई माणी सिंह पहले ही प्रयास में नाकाम हो गए और कश्मीर से वापस लौट आए, लेकिन नैन सिंह ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर दिशा और दूरी नापने के यंत्र तिब्बत तक कैसे लाए जाएं, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े थे और पकड़े जाने पर तिब्बत इसे जासूस मानकर मौत की सजा भी दे सकते थे। तय किया गया कि दिशा नापने के लिए छोटा कंपास लेकर जाएंगे और तापमान नापने के लिए थर्मामीटर। हाथ में एक प्रार्थना चक्र था जिसे तिब्बती भिक्षु साथ रखते थे, और दूरी नापने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया गया। नैन सिंह के पैरों में 33.5 इंच की रस्सी बांध दी गई ताकि उनके कदम एक निश्चित दूरी तक ही पड़े। हिंदुओं की 108 की कड़ी के बजाय उन्होंने अपने हाथों में जो माला पकड़ी वो 100 मानकों की थी ताकि गिनती आसान हो सके। नैन सिंह रावत ने ही सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि लहासा की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। यही नहीं, उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के साथ लगभग 800 किलोमीटर पैदल यात्रा की और दुनिया को बताया कि स्वांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी हैं। सतलुज और सिंधु नदी के स्रोत भी सबसे पहले उन्होंने ही दुनिया को बताए। सबसे पहली बार उन्होंने ही दुनिया को तिब्बत के कई अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी समझदारी, हिम्मत और अपनी वैज्ञानिक दक्षता से तिब्बत का नक्शा अपनी जान जोखिम में डालकर बनाया। नैन सिंह रावत ने 4 बड़ी यात्राएं की। सबसे पहले वो साल 1865 में वो काठमांडू के रास्ते लहासा गए और कैलाश मानसरोवर के रास्ते
वापस 1866 में भारत आए। साल 1867-68 में वो उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा पास से होते हुए तिब्बत के थोक जालूंग गए, जहां सोने की खदानें थी। उनकी तीसरी बड़ी यात्रा थी शिमला से लेह और यारकंद, जो उन्होंने साल 1873-74 में की। उनकी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी वर्ष 1874-75 में। वो लद्दाख से लहासा गए और फिर वहां से असम पहुंचे। इस यात्रा में वो ऐसे इलाकों से गुजरे जहां दुनिया का कोई आदमी अभी तक नहीं पहुंचा था। नैन सिंह को एक एक्सप्लोरर के रूप में ही याद नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी में आधुनिक विज्ञान में उन्होंने अक्षांश दर्पण नामक एक किताब लिखने वाले वो पहले भारतीय थे। यह पुस्तकें जो सर्वेयरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ग्रंथ के समान है। ब्रिटिश राज में उनके कामों को काफी सराहा गया। ब्रितानी सरकार ने बरेली के पास 3 गांव की जागीरदारी उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। इसके अलावा उनके कामों को देखते हुए कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब दिया गया। एशिया का मानचित्र तैयार करने में उनका योगदान सर्वोपरि है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था। उनकी मृत्यु 1895 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु गौरी नदी के किनारे मधकोट गांव में हुई थी। उनको हमारा शत शत नमन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।